गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम फिर से आ चुके हैं आज एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइज आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। गाइज देखो, हिचकिचाहट तो होती है बोलने में, ये आपको भी पता है। मतलब इंडिपेंडेंस डे क्लियर नहीं बोला जाता मेरे से। और गाइज देख लो ध्रुव जी की प्रिपरेशन। ये मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये इन्होंने ना मांझे से काटा। रुको, फोकस नहीं हो रहा, अब हो रहा है। मांझे से काटा है। आज हम जा रहे हैं आपको चल के दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको। गाइस देखो, मम्मी आज तिरंगा बनी पड़ी है। उल्टा तिरंगा ही सही, ऊपर हरा, पीछे में संतरा, नीचे वाइट। पर बस तो गाइस हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा कर रहे हैं निशा वेट, पहले जाके खड़े हो गए ताकि कूड़ा ना ले जाना पड़े इन्हें। जान पूछ के पहले आ गए ना, कूड़ा ना लेके आना पड़े। जान पूछ के आए थे ना। देखो कैसे बातें घुमा रहे, कैसे बातें घुमा रहे। देखो गाइस झंडा कितना अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, मेरे हाथ ही चल रहे। लो कूड़ा खा रहे हो पीछे। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम जा रहे हैं सरप्राइज। गाइस को नहीं पता, गाइस को पता लग जाएगा। गाइस सरप्राइज दिखा देते हैं आपको। सरप्राइज क्या है गाइस, बहुत भयंकर सरप्राइज दे रहे हैं आपको। गाइस ये था सरप्राइज। तो गाइस पापा यहाँ पे कर रहे हैं पैकिंग। तो ये पूड़ियाँ बन रही हैं, माला भैया पैकिंग में लगे हुए हैं। ये था आपके लिए सरप्राइज, वर्मा जी आलू पूड़ी वाले। ये तारीफें कर रहे हैं। वहीं बैठे कर। अरे मैं वैसे नहीं, रुक कर थोड़ा सा। भटूरा कौन सा वाला बता रहे थे आप? ये भटूरा कौन सा वाला बता रहे थे आप? ये भटूरे का नाम लो। जैसे लोगों को होता है ना, साइड से मोटा और बीच में इसको पापड़, इक्वल है। जबरदस्त भटूरा, टेस्ट तो लाजवाब। मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, नहीं खा रही। लाजवाब। आप खाते रहते हैं? गाइस ये था आपके लिए सरप्राइज। NIT नंबर 2 में हमने खोली है ये वर्मा जी की आलू पूड़ी वाले। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। गाइस यार मैं इसमें कितनी मोटी सी लग रही हूँ, देखना। सो गाइस ये था आपके लिए सरप्राइज। ध्रुव जी ने खोली है ये वर्मा जी आलू पूड़ी वाले। 2 नंबर में है। एड्रेस बताना ध्रुव, एक्चुअल एड्रेस। 3 नंबर में है, 2 नंबर में नहीं, 3 नंबर। सॉरी गाइज मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ की, तो सॉरी। एक बार एड्रेस बता दो। एड्रेस बताते रहो तुम लोगों को। अरे तो 3 नंबर में कहाँ पे है, थोड़ा सा बताओ। DAV कॉलेज के पास, बवेजा बेकरी के पास, नियर बाय बवेजा बेकरी, DAV कॉलेज। ओके। मुझे तो ऑफिस निकलना है, मेरी आज छुट्टी नहीं है। 15 अगस्त को मेरा ऑफ नहीं है, हाफ डे जाना है। हाफ डे में ऑफ हो जाएगा, तो शाम को फिर हम उड़ाते हैं पतंगे। मेरी जबान बहुत लड़खड़ाती है यार, लड़खड़ाती है। पतंग उड़ाएंगे ना शाम को, है? गाइस देखो हमने रखी है पतंगे, यहाँ रखी है, कुछ घर में रखी है। आज इस बार हमने कम खरीदे, पिछली बार तो हमने बहुत सारी खरीदी थी। आपने लास्ट व्लॉग शायद देखा हो। पिछली बार की सारी ऐसी बढ़िया, कटती नहीं अपनी पतंग, कोई काटने वाला नहीं पैदा हुआ। ये एक्सपर्ट है ना पतंग उड़ाने में, सीधे सीधे बोलो ना। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं हमारी माइकल लाल, माइकल नाम अच्छा है। गाइज हमारे शॉप पे आओ। सॉरी, सीट बेल्ट लगा लो। गाइज हमारी शॉप पे आओ, बहुत टेस्टी टेस्टी, मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया क्योंकि मैं आ नहीं पाई थी बीच में। बहुत ही ज्यादा टेस्टी भटूरे, छोले, आलू पूरी है और पेठे की सब्जी है, छोले हैं, भटूरे हैं और क्या है, राजमा चावल, छोले चावल, कचौड़ी, पूरी, हाँ, सब्जी, हाँ, छोले भटूरे। मैंने इतना सारा नहीं खाया, मेरी इतनी लिमिट नहीं है, जितना पता था मैंने उतना बता दिया। सो आप आओ, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। भटूरे आप देखोगे ना गाइज, क्या बताओ, बस बोल नहीं सकती, वर्ड्स नहीं है, इतने टेस्टी भटूरे। एंड बिल्कुल पतले पतले, साइडों में से जो लेयर मोटी होती है ना, वो भी बिल्कुल पतली पतली लेयर। मजा आ गया खा के। सो एड्रेस जरूर ने बता दिया, आप आओ, एक्सप्लोर करो, अपने रिव्यूज दो कैसा लगा आपको, एंड अपने साथ के लोगों को भी लाओ प्लीज। सो चलो मैं ऑफिस पहुंच रही हूँ, मिलते हैं आपसे मिलते हैं हम आपसे थोड़ी बहुत देर में। सो गाइस, आपको मेरे उतरे हुए मुझे से पता चल रहा होगा कि मैं ऑफिस से वापसी आ चुकी हूँ। सर मुझे लेने आए हैं दोबारा से। सुबह मैं थोड़ी चमकी हुई दिख रही थी, अब आपको एक क्लिप थोड़ी सी ऐसी दिख रही होगी। मैं ऑफिस जा करके, आज मेरा 11 से 4 तक का था ऑफिस का टाइम। सो अभी टाइम हो रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको, 4:15 हो रहे हैं। मैं निकल गई ऑफिस से, अब हम जा रहे, कहाँ जा रहे हैं हम? है घर। तो तुम इतने लो साउंड क्यों कर रहे हो? यू आर वेरी टायर्ड। नींद आ रही है मेरे को, नींद। तो पतंग नहीं उड़ाएंगे फिर हम? पता नहीं, फिर तुम कैसे मना कर सकते हो ग्रुप पतंग के लिए? कुछ ठंडा सा पी लो। So guys, चलो आपको दिखाते हैं आज हम उड़ेंगे पतंग। मुझे तो आती है थोड़ी थोड़ी, ध्रुव को बहुत अच्छे से आती है। ध्रुव एक ही पतंग, हमारी पिछले साल की पतंग भी पता है क्या हुआ था, हम बहुत सारी लेके आए थे। आपको ना फोटो हम डालेंगे इसमें पिछले साल की पतंगों की, कितनी सारी लेके आए थे और हमारी यूज कितनी हुई थी, 4-5 पतंगे। अब वो 4-5 पतंगे क्यों यूज होती है? क्योंकि ध्रुव एक्सपर्ट है उड़ाने में, तो उन्होंने 1-2 पतंगों से इतनी सारी पतंगे काट दी, तो हमें अपनी ज्यादा पतंग यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट गाइज, आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, पर नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ यार, धीरे में से बोला नहीं जाता, पता नहीं कहाँ निकलेगा। सो चलो आपको दिखाते हैं आज का अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। गाइज हम आ गए पतंग उड़ाने, ये उड़ रही है हमारी पतंग, दिख रही है कहीं? हाँ दिख तो रही है, दिख रही है। हे भगवान, अच्छे से छाए कर दो। और सॉरी गाइज, मैंने ये चकला पकड़ रखा है, तो मेरे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। चकला ही बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? चकला ही तो बोलते हैं, हम तो चकला ही बोलते हैं। गाइज जितनी भी आप पतंगे उड़ा रहे हैं, प्लीज कृपया करके ध्यान से उड़ाएं, पक्षियों से बचा करके, और पक्के मंजे से ना उड़ाएं, जैसे कि हम सद्दी से उड़ा रहे हैं। सद्दी भी बोल रहे हैं इसे, ये देखो ये सद्दी है गाइस, ये सद्दी है। उधर सूरज पड़ रहा है ना, मेरे को दिख नहीं रही गाइस। अभी यहाँ पेचे लड़ने वाले, उधर से एक लहरती हुई आ रही है, सखियों की सहेली। राजा हम उड़ा रहे हैं, रानी उधर से आ रही है। अरे रानी कहाँ गई? दिख गए गाइस। अभी देखो इन दोनों पतंगों के पीछे लड़ेंगे। और क्या बोलते हैं ध्रुव, आईपो क्या बोलते हैं? आईपो। मेरे को बोलना नहीं आता, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई। सॉरी फैमिली, मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई, वरना ध्रुव मेरी फिर बेइज्जती करते, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। गाइस ये जा रही है ना उड़ती हुई, मैं दिखाऊँ उड़ती हुई पतंग? देखो वो जा रही, ये जा रही, ये ध्रुव ने काटी है, जो लहर खा रही है। रील्स बनाने आई थी, लेकिन मुझे तो इस काम में लगा दिया। कैसे बनाओ रील्स? पतंग ही नहीं होगी काटने वाली, गर्मी में हमारे आसपास नहीं उड़ती यार, हमारे यहाँ पे आसपास के घरों पे नहीं उड़ती। अकेले पागलों की तरह लगे रहो। बहुत दूर दूर है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। देखो गाइस हमारे ना आसपास नहीं उड़ती हमारी पतंग, लहर रही होगी। कहाँ है हमारी पतंग? वो लहर रही, और हमारे आसपास लुढ़ते देखो कितनी दूर दूर है। आपको क्लोज करके दिखाऊं, ये देखो वहाँ उड़ रही है इतनी दूर, इस साइड उड़ रही हैं, ये देखो कितनी दूर उड़ रही हैं। हमारे आसपास उड़ती नहीं है, वरना ध्रुव तो पता नहीं क्या ही कर दे, सबके पतंगे काटते फिर। ये अपनी एक 100 रुपए की पतंग से ना पता नहीं कितनी पतंगे वसूल करते हैं। 40 रुपए की एक पतंग। और ध्रुव कहाँ किसी टाइम पे 1-2 रुपए की आती थी ना। अबे ये मिलती नहीं थी, ये बरेली की स्पेशल पतंग। हमने तो भैया इतनी उड़ाई नहीं है ना, हमें क्वालिटी नहीं पता इसलिए सॉरी सर। बरेली की और लखनऊ, मुंबई, आगरा की। गाइस एक रानी तो चली गई, दूसरी रानी आई है। मुझे ना तो स्क्रीन में नहीं दिख रहा, धूप पड़ रही है डायरेक्टली आँख पे। बोलो आई बो काटे, कहाँ गई कटी हुई? वो जा रही, ये जा रही, गई ये जा रही, लहरती हुई ये जा रही। और नहीं बोला, हो गया यार, ये जारी लहरती हुई। और सबके काटे जा रहे हैं दूर दूर भगा करके बेचारों की पतंगे। को कवर करनी चाहिए यार, कवर कर ली सारी, कर लिया करना। अब इतने में ये पकड़ो, क्या करूं? ध्रुव इनकी यहीं की काट दो, ध्रुव इनकी यहीं की काट दो, जैसे सामने उड़ा रहे हैं ना, इनकी यहीं की काट दो। मैंने तो फेंक दिया चकला, मैं थक गई। ये देखो अब एक और पतंग आ गई इनके पास। ये देखो सबकी काटनी है इनको। यहाँ लड़ेंगे पीछे। अब देखो कहाँ गई, उड़ गई, उन्हीं की काटी है। कितने खुश हो रहे हैं, शक्ल दिखाना अपनी इधर, शक्ल दिखाना अपनी इधर। गाइस इनकी पतंग काट दी बेचारों की, देखो कैसे देख रहे मुड़ मुड़ के। अंकुर भैया सॉरी, सॉरी मांग रहे, एक तो पतंग काट दे बेचारों के, सॉरी और मांग रहे ऊपर से। यार क्या करूं, कोई उड़ाता ही नहीं यहाँ पे। चार काट दी, इतनी सेक्सी पतंग है ना गुगली, इतनी सेक्सी पतंग भाई। यहाँ लड़ेंगे पीछे। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ध्रुव? कॉपीराइट तो नहीं आएगा? ये ब्लर क्यों हो रही है? काट दी। मुझे ना सामने सूरज, सूरज इसलिए दिख नहीं रही, दिख गई। कट गई, कट तो गई। कटिए हमारी ऑर्डर, ये बेचारी कट गई। पाँच पाँच मंजर लेके खड़ी हूँ पीछे। टाणा ना 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 टाणा ना ना। तो मौसम देख लो कितना अच्छा हो गया। अब हुआ है मौसम माना भैया के आने के बाद। गाइस देख रहे पतंग के भी कोच होते हैं, पतंग के भी कोच होते हैं। अरे अरे गई ले 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 गई 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 गई। देखो मेरे को नाम से दिमाग पे। सुनो शाम हो जाएगी, दो चार पैसे काट ले। सुनो बंद कर दे इसे अभी। हाथ थक गया, बंद कर दे, थोड़ी देर हाथ थके, थोड़ा रेस्ट कर लो। भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। क्या करा गुगली तूने? ओए क्या करा तूने? मैं तो काटी नहीं लगी, कुछ भी नहीं, तूने छोड़ दी वो। छोड़ दी पर पैसे भी लड़े थे, पता नहीं उसमें। देख कितना बंदा छोड़ दिया, तूने तो लेना है वो पतंग लगी तो पड़ी है। अच्छा हवा बनाने के भाई की तुम्हारी ऐसे नहीं जाएगा, चला गया। उसकी भी गई ना, उसकी भी गई, आधी भी गई। मैं तो पागल हूँ। छोड़ गलत क्या हो गया? ये क्यों लेके आया थी? कैमरा ठीक लग रहे हैं। अब तो चल रही है हवा हल्की हल्की। ये बेचारे चार जने लग रहे हैं एक पतंग को उड़ाने में, इनसे जरा सी भी ऊपर नहीं हुई है। यार भाई पतंग मत उड़ाओ तुम लोग। ध्रुव सुनो, बेचारे तेरी देर से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उड़े नहीं। ना तो बैठ गई साइड में छज्जे के नीचे। बारिश आ गई तेज, अब ध्रुव नहा रहे हैं। उधर 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 ये उनकी छत पे जा रहा है। बारिश आ गई आ गई। ठीक है सारे ये भी उठाओ, ये पैरों में लगेगा मंजा। सो गाइज हमारे जितना बस की था हमने उतना व्लॉग अपना बना लिया। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बोलो शेर शेर। सो बाय बाय फैमिली।